goodbye. उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज पुनः एक नए फ्लेवर के साथ, नए क्लास के साथ आपके समक्ष में छात्रगण मुखातिब हूं। छात्रगण, आज से आपका सीटेट और जेटेट की परीक्षाओं में एक बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट, इसे हम सब कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस की शुरुआत करने जा रहा हूं। छात्रगण, यह विषय कितना इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए कितना मायने रखता है छात्रगण, यह आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। आपने देखा है छात्रगण कि एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रश्न होते हैं, के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके चारों तरफ के जो वातावरण, जो चारों तरफ का जो घेरा है, उसी से ये प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्नों का जो समावेशन किया गया है एनवायरमेंटल स्टडीज पे ईवीएस पे, वो निश्चित रूप से आपके लिए जो है वर्ग कक्षा, आपको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन वर्ग 3 से लेकर वर्ग 5 तक ही चलता है और एनसीएफ के विशेष मानदंड में छात्र इस पूरे पर्यावरण अध्ययन में, किस पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सा विषय रखा जाए और किस प्रकार से ये चले। तो एनसीएफ की जो रूपरेखा थी उसमें पर्यावरण अध्ययन को रखा गया कि यहाँ पर वर्ग कक्षा 3 से 5 तक होगा और ये पर्यावरण अध्ययन का स्थान होगा वो एसएसटी में होगा। लेकिन आपको जानकर के बहुत बहुत खुशी होगी, हर्षित होगा कि आपका जब जो क्वेश्चन का निर्माण होता है वर्ग कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, आप चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या जेटेट की परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षाओं में जो प्रश्नों का समावेशन होता है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी को पकड़े हुए रहता है छात्र। और एनसीईआरटी की किताबें यदि आप वर्ग कक्षा 3 से लेकर के 5 तक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें तो आधी से अधिक आपकी इन्वायरमेंटल तैयारी की इन्वायरमेंटल तैयारी हो जाती है। आप देख पाएंगे छात्र आज की क्लास में एनवायरमेंटल स्टडीज जो है आपका पर्यावरण अध्ययन कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ता है। आप देखे होंगे प्रश्नों की संख्या, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या तो आप देखे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन प्रश्नों की संख्या होती है 30, ठीक है ना। चाहे हम सीटेट की बात करें, या जेटेट की बात करें, ठीक है, दोनों परीक्षाओं में प्रश्न अभी तक दोनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है 30, ठीक है, आराम से एकदम क्लियर हो गया। जबकि इसमें प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या, अंक कुल अंक, तो कुल अंक आपने देखा होगा कुल अंक कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो प्रश्नों की संख्या भी 30, कुल अंक भी 30, तो दोनों प्रश्न सोचिए किसी भी परीक्षा में 30 अंक लाना उस परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और उस विषय वस्तु के लिए वह कितना कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है छात्र। किसी एक विषय में 30 अंक आपको अगर मिल रहा है तो उस विषय की तैयारी कितनी परफेक्ट होनी चाहिए किसी छात्र के लिए, यह उसे समझा जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का सेम वही कहानी, दो पाठ जो प्रश्न होंगे, प्रश्न के पुनः दो पार्ट होंगे छात्र। एक पार्ट आपका होगा कंटेंट बेस्ड। की जब हम बातें करते हैं छात्र तो कंटेंट बेस्ड का मतलब होता है, कंटेंट बेस्ड का तात्पर्य होता है कि प्रश्न जो होंगे किताबों से होंगे, मतलब कि जो पर्यावरण अध्ययन का मूल है, जो पर्यावरण अध्ययन का जड़ है, उस पर्यावरण अध्ययन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कंटेंट बेस्ड पे। और ये क्वेश्चंस होंगे आपके लगभग 15 से लेकर के 19 तक, और नेक्स्ट यहां पर आपका 15 से लेकर के 30 तक या फिर 20 से लेकर के 30 तक या 19 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन होगा आपका पेडागॉजिकल इश्यूज के क्वेश्चन होंगे छात्र। ये पूरी कहानी है छात्र पर्यावरण अध्ययन का, पूरे 30 नंबर के प्रश्न के दो भाग होंगे, 15 नंबर का भाग आपका कंटेंट बेस्ड होगा और 15 नंबर का भाग होगा आपका पेडागॉजिकल इश्यूज से होंगे। प्रश्न ये होता है कि सर एक पर्यावरण अध्ययन की एक निचोड़ तैयारी हम सब कैसे करें सो दैट कि इन परीक्षाओं में हम सब सफलताओं के इतिहास लिख सके। जानते हैं देखिए पर्यावरण अध्ययन की तैयारी
करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको माइंडसेट करना होगा, एक मानदंड अपनाने पड़ेंगे। मानदंड और माइंडसेट इसका क्या होना चाहिए छात्र, कि सबसे पहले पर्यावरण का तात्पर्य क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस इन्वायरमेंट का तात्पर्य क्या है, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है इसमें आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो आप हवा देखते हैं या मिट्टी देखते हैं या पानी देखते हैं, अपना कपड़ा देखते हैं, अपना घर देखते हैं, नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं ये सभी का सभी आपकी आपके पर्यावरण का पार्ट है, आपके पर्यावरण के अंतर्गत में आता है। इस पर्यावरण से ही, इस पर्यावरण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण, दूषित पर्यावरण, प्रदूषित पर्यावरण, इन सबसे ही प्रश्न के निर्माण किए जाते हैं। एक सिंपल प्रश्न लेके और पर्यावरण से एक और पर्यावरण से रिलेटेड, अभी तक पर्यावरण से रिलेटेड और पर्यावरण के बारे में विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या सब कहा है इसके बारे में भी अध्ययन इसमें किया जाता है, पेड़ के रिस्पेक्ट में। तो दो जगहों से प्रश्न सजा धजा इसमें होता है, दो जगहों से सजा धजा करने का मतलब क्या होता है कि एक भाग हो गया मेरा कंटेनरस और दूसरा भाग हो गया मेरा पेडागॉजिकल इश्यूज। ये दोनों पार्ट जो पर्यावरण अध्ययन का चलता है छात्र, इसमें इसमें आपको तकरीबन जो है 30 क्वेश्चंस के छात्र हैं, अगर थोड़ी सी आप अच्छी तरह से तैयारी कर ले तो 24-25 नंबर लाना बहुत बहुत आसान है। सिलेबस छोटा है, केवल आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक जहां से मेरा पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत हुई है उतना ही इसका कंटेंट है, यानी तीन किताब, वर्ग 3 की, वर्ग 4 की और वर्ग 5 की तीन किताब आपके पास में होंगी है, इन तीन किताबों का गहन अध्ययन कर लीजिए। लेकिन चूंकि क्लास 3 से क्लास 5 तक केवल बेस है, उस बेस से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। देखिए आप कभी भी क्वेश्चन बैंक निकाल करके आप देखिए, तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो आप देखिए सब प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन जो बेस मेरा दिया गया है वर्ग कक्षा 3 से लेकर के वर्ग कक्षा 5 के बीच में, उस बेस को पकड़ के क्वेश्चन का लेवल हाई कर देता है, क्योंकि आपके लिए क्वालिफिकेशन बेस पर मांगता है, इंटर आपका पास होना चाहिए, आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने बीएड का या डीएलएड का आपने किया, बस हम डाले अच्छी तरह से। ये तमाम कारण है छात्र इन्वायरमेंटल स्टडीज के केस में। देखिए पूरी इन्वायरमेंटल कहानी, पूरी इन्वायरमेंटल जो स्टोरीज है, जो पूरी पर्यावरण अध्ययन की जो कहानी है, कि अपने तमाम पर्यावरण को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, इसी के बीच में पूरी कहानी चलती है। इस पर्यावरण में आप नदी देखते हैं, नदी के अंदर मछली देखते हैं, मछली के अंदर में सॉरी नदी पानी के अंदर में सांप देखते हैं, बाहर में सांप देखते हैं, केंचुए देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर जो सीटेट में क्वेश्चन हुआ था, एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी, हम बोर्ड में लिखते हैं है ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करके हम सब छात्र है ना, कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन, कौन सा पक्षी अपने गर्दन को एकाएक पीछे की ओर मोड़ लेता है, एकाएक पीछे की ओर मोड़ लेता है। आप प्रश्न का पैटर्न देखिए, क्यों आपका आज की क्लास में हम रूबरू कराएंगे, पूरी तरह से पर्यावरण को डील करेंगे, तो प्रश्न का प्रारूप आप देखिए, इन्हीं में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को एकाएक पीछे की ओर मोड़ देता है। एकाएक जब हम पीछे की ओर मोड़ने की बात करते हैं छात्र, तो आप कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण किस आधार पर किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन को एकाएक पीछे की ओर मोड़ देता है। देखिए प्रश्न का पैटर्न पे आप जाइए, कुछ नहीं, सीटेट 2024 का क्वेश्चन है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। आप प्रश्न के पैटर्न पर जाइए, अब आप किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न का प्रारूप देखिए कि किस प्रकार से हमें कहां से नॉलेज गेट करना है, हमें किस प्रकार का पकड़ अपने विषय को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो विषयों का पकड़ अगर हम सही ढंग से कर पाते हैं, छात्र तरीके से कर पाते हैं, तो इतना मान करके चलिए कि आपके जो प्रश्न होंगे, जो आपके कक्षाओं में जो अनलाने वाले अंक होंगे, वो आपको पूरा का पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक पक्षी है, आप देखते होंगे सर बहुत सारा उल्लू, आपके दिमाग में भी उल्लू चल रहा होगा, और उल्लू ऑप्शन नंबर 1 पे होगा, लेकिन उल्लू आप देखिए उल्लू चारों तरफ रोटेट कर सकता है,
उल्लू का पक्षी जो है वो अपने गर्दन को चारों तरफ ऐसे करके रोटेट कर सकता है, लेकिन कोशिश क्या करता है अपने गर्दन को एकाएक पीछे की ओर मोड़ लेता है, मैंने अचानक ऐसे करके कर लेगा और वो पक्षी है मैना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैना। तो छात्र एनवायरमेंटल स्टडीज के केस में, पर्यावरण अध्ययन के केस में आप देख पाइएगा कि किस प्रकार से ऐसे बहुत ही बारीक क्वेश्चन होते हैं, विभिन्न राज्यों के फूड्स कैसे हैं, कौन कौन सा वहां पे खाना दिया जाता है, कैसे कौन कौन से खाने के प्रकार हैं वहां पे, वहां के आवास के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से ये पूरा आवास जो होता है वो आपका रन करता है, ये तमाम चीजें जो है छात्र इस पूरे पर्यावरण अध्ययन के पाठ हुआ करते हैं छात्र। तो इस पूरे टॉपिक पे जब हम पर्यावरण अध्ययन की बातें करते हैं छात्र, तो हम देख पाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न और कहां कहां से प्रश्न होते हैं। सेकेंड प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से ऑप्शन को हमने देंगे, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, निम्नलिखित में से एक ऑप्शन देंगे, निम्नलिखित में से कौन ए, निम्नलिखित में से कौन ए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन ए चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो छात्र देखिए ये बातें कर रहा है कि कौन है जो चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चलाया गया था छात्र, और ये कितना पॉपुलर हुआ था पर्यावरण को संरक्षण के लिए कि वहां के लोग वहां की महिलाएं जो है वो सीधे जाकर के पेड़ों पर क्या होती थी चिपक जाती थी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपक जाते थे और वो कहते थे कि मुझे काटने के पेड़ काटने नहीं देंगे। इस प्रकार अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न का प्रारूप देखिए और इस प्रश्न का प्रारूप देखिए, दोनों प्रश्न के प्रारूप में आपको अंतर आएगा, जहां ये हिस्टोरिकल स्टोरी आपके पास में प्रस्तुत कर रहा है छात्र, वही यहां पर आपको ये आम आपके वातावरण के चारों तरफ क्या कुछ पाया जाता है उसकी बातें ये करता है छात्र। साथ ही साथ इसे कितने बातें भी करता है, इवन आपका एक बना हुआ बर्तन जैसे आपसे पूछ सकता है, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पीतल निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है, पीतल, हाँ तो आप जानते हैं कि पीतल किससे किससे बनता है, तो देखिए प्रश्न का पैटर्न देखिए कि प्रश्न का पैटर्न भी ये किस प्रकार से चर्चा करते हैं, मींस पूरे निचोड़ अगर हम निकाले कि पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज का पूरा पर्यावरण अध्ययन का निचोड़ क्या हो सकता है, इसका निचोड़ बस एक ही चीज होगा छात्र कि आपके चारों तरफ जो इसका नाम है छात्र पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है, पर्यावरण का मतलब होता है आवरण, ये जो पूरा पर्यावरण का जो मतलब है वो क्या होता है आवरण, ठीक है, पर्यावरण का क्या होता है चारों तरफ, ठीक है ना, और आवरण का मतलब क्या होता है घेरा, पर्यावरण का मतलब हो गया चारों तरफ और आवरण का मतलब क्या होगा घेरा, ये दो शब्दों से मिलकर मिला है पर्यावरण प्लस आवरण, ठीक है ना, देखिए पर्यावरण का पहले मतलब पर्यावरण प्लस कौन चीज आवरण, ये दो संधियों से मिलकर बना है पर्यावरण, तो पर्याय का मतलब ही क्या होता है, पर्याय का मतलब होता है आपका चारों तरफ, क्या होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा, तो चारों तरफ जो घेरे हुए है आपको, चारों तरफ जो आपको घेरे हुए है उसे को एक पर्यावरण कहते हैं, उस पर्यावरण की रक्षा के लिए, उस पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उस पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, चाहे वो राज्य लेवल पर, चाहे वो देश लेवल पर, चाहे वो विश्व लेवल पर, कौन कौन सी संस्थाएं पर्यावरण अध्ययन के लिए काम करती हैं, ऐसा आपको मालूम होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है ये सब शानदार इसका ही है, साथ ही साथ हम लोग का प्रकृति संरक्षण जो आपका नैरोबी में है छात्र, ये केन्या की राजधानी जो नैरोबी है वहां पर ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे, साथ ही साथ जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज है, देखिए पर्यावरण अध्ययन को सीधे सीधे ना सिर्फ इसके कंटेंट पर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन हुए, आपने देखा दोनों प्रश्न के प्रारूप को आपने देखा कि ना सर एक हिस्टोरिकल कल्चर देता है तो दूसरा आपको देता है कि कौन सा पक्षी अपने दर्शन को पीछे की ओर लाता है, कैसे नॉर्मल से करता है, आपसे पूछता है सीधे कि विश्व पर्यावरण दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो आप सिंपल आंसर दीजिएगा 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आपने आंसर दिया, इस 5 जून से कोरिलेटेड आपका और क्या इंपॉर्टेंट है उसे भी आपको जानने का प्रयास करना पड़ेगा, अर्थात अगर आपसे पूछेंगे बताइए कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो पर्यावरण दिवस हुआ, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए छात्र कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 तारीख को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो इस प्रकार से ये तमाम कहानियां लिखेगा आपकी वो चलता हुआ नजर आता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं पूरे एनवायरमेंटल स्टडीज में सजे रहते हैं, साथ ही साथ पूरे एनवायरमेंटल स्टडीज को टीचर्स कैसे करके पढ़ाएगा पूरी क्लास में,
ये बातें उसमें होती हैं जो कि इसका पेडागॉजिकलिसिस होता है, मापन से क्वेश्चन होते हैं, मूल्यांकन से क्वेश्चन होते हैं, टीचर क्यों अधिक से अधिक एक्टिविटी बेस्ड कराए, इससे एक्टिविटी बेस्ड क्लास कराए, इससे प्रश्न होते हैं, और इन्वायरमेंटल स्टडीज के जितने सारे जो प्रश्न है उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या प्रयोग है, शिक्षक जो है पर्यावरण के क्लासेस को बच्चे को क्लास के अंदर कराए कि बाहर जाकर उसे इन्वायरमेंट के बीच में जाकर के कराए, तथ्यों की पहचान कैसे कराए, प्रकाश संश्लेषण टीचर्स कैसे पढ़ाए, ये इन तमाम चीजों से सजग होना होता है चैंपियन जब हम सब इसकी बातें करते हैं। आपको जान देते हैं बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि अब आप थोड़े से अच्छे से मेहनत करके जिस प्रकार से पेडागॉजिक आपसे मेहनत कर रहे हैं चाहते हैं उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल स्टडीज पे थोड़ा सा मेहनत करके आप इसमें फूल के फूल अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका लगभग 22 से 25 अंक इसमें लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं टारगेट भी रहने का चाहते हैं, टारगेट 27 नंबर का टारगेट रहेगा छात्र, जहां तक सीटेट में पूछे जाने वाले 30% की हम बातें करेंगे छात्र, तो लगभग हम लोग 27 नंबर की बातें करेंगे इस चैप्टर पे 27 नंबर आ जाए। आप कल्पना कर लीजिए यदि किसी एक विषय पर आपका 27 नंबर आता है तो आप समझ जाइए कि पूरा सीटेट पे आप कितने बेहतरीन मार्क्स के मालिक होंगे और आप कितना आसानी से परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी तरह से पूरे 27 नंबर के लिए आप तैयारी कीजिए छात्र, और आप इसमें गहन मेहनत कीजिए और वो गहन मेहनत आपको जो है निश्चित रूप से इसमें सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं, इसको पूरी सिलेबस की चर्चा करते हैं कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज, पूरा का पूरा पर्यावरण अध्ययन जो होता है उससे कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें जिससे बच्चा पढ़ करके जो है अपना कंटेंट बना पा रहा है, पेडागॉजिकल का कोई भी ये सिलेबस नहीं होता है आपको मालूम होना चाहिए, वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको सपोर्ट कराऊंगा। कंटेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होगा उस कंटेंट को हम लिखने का प्रयास करते हैं। कंटेंट मैंने बहुत ही प्यार से तैयार किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न ईयर के क्वेश्चन विभिन्न वर्षों में पूछे गए सीटेट और जेटेट की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए उनसे मैंने सिलेबस निकाला है, उस सिलेबस को ही आप लोगों को पूरी तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद आपको उसमें स्मार्ट भी बनाया जाएगा छात्र। तो आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और देखते हैं कि सर अभी तक जितने सारे प्रश्न इन्वायरमेंटल स्टडीज में पूछे गए हैं उसके सिलेबस क्या है, तो आइए इसी सिलेबस पे जल्दी से चर्चा करें। आगे देखते चलते हैं छात्र। तो छात्र पूरी तरह से पर्यावरण अध्ययन के पूरे सिलेबस की हम सबों ने आपको जस्ट अभी कहा कि चलिए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और पर्यावरण अध्ययन के पूरे सिलेबस को आपको बताते हैं। मैं वही पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस आपके लिए पूरी तरह से बोर्ड पे लिखा हूं छात्र, इसको आप गौर फरमाइए। तकरीबन पर्यावरण अध्ययन के जो 15 नंबर के प्रश्न होंगे, कितना क्वेश्चन, 15 से 17 प्रश्न, कभी कभी केसेस में 15 से 20 प्रश्न भी होंगे, दोनों मान के चलिएगा, पर 17 को हम एक बार और इसको एट्रीब्यूट्स बना करके एक 20 प्रश्न ले लेते हैं। 15 से 17 से 20 प्रश्न जो होते हैं बस इन्हीं 15 एरिया से आपका पूछा जाएगा। ये जो 15 सिलेबस मैंने लिखा है यहां पे एक और यहां पे 15 आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, तो इन्हीं 15 एरिया से जो है ये पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा छात्रगण, और इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न जो पूछे गए हैं जो 20 जो कंटेंट वाला जो 20 क्वेश्चन होगा, अभी पेडागॉजी वाला भी लिखा देंगे, 2-3 चैप्टर जो जहां से पूछता है वो भी सिलेबस हम लिखा देंगे, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या, पहला नंबर सिलेबस में क्या दिया हुआ है, पर्यावरण। ऑब्वियसली जाहिर बात है पर्यावरण अध्ययन की क्लास है, पर्यावरण अध्ययन है तो पर्यावरण से तो प्रश्न होंगे, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का स्कोप, पर्यावरण की बाउंड्री, पर्यावरण का मीनिंग क्या है, कैसे है, कहां से ये शब्द लिया गया है, ये फ्रेंच शब्द है, ये लैटिन शब्द है, क्या है ये, इन तमाम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे पर्यावरण में। इस पर्यावरण के दो घटक होते हैं छात्रगण, आप जानते हैं, एक है सजीव घटक और दूसरा है निर्जीव घटक। तो जो लिविंग बॉडी है बायोटिक और एबायोटिक कहा जाता है दोनों को, एक को बायोटिक दूसरा को एबायोटिक कहा जाता है। तो इस बायोटिक जगत पे लिविंग बॉडी का यानी कि सजीव का क्या निर्माण है, सजीव जगत का क्या वैल्यूज है, एबायोटिक में मिट्टी हो गया आपका जो निर्जीव वस्तु है, नदी हो गया, नदी का पानी हो गया, ये सारा एबायोटिक, हवा हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई जो बोल नहीं सकता है लेकिन कितना सारा काम करता है। तो किस प्रकार से सजीव और निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है छात्रगण, इस पूरी तरह का कंसेप्ट जो है छात्रगण ये विषय आपको देता है। तीसरे विषय पे आप देख लेते हैं आश्रय और परिवार है कि किस प्रकार से आश्रय, देखिए पूरा सिलेबस को आप देखिए छात्रगण परिवार और आश्रय को ये पकड़ता है। आश्रय मतलब का रहने का स्थान, शेल्टर, इसकी बातें करता है, भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता
आप अपने दिनचर्या में डेली टू डेली में भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रगण। कृषि और मृदा संबंधित कि कृषि के कौन कौन से झूम कृषि कहाँ का फेमस है, सब बहुत अच्छा अच्छा सुपर हिट क्वेश्चन आता है। पहाड़िया खेती कहाँ पर होती है, मृदा वहाँ के दोमट मिट्टी में कौन सा खेती होता है, काली मिट्टी में कौन सा होता है, इन सबसे क्वेश्चन होता है। उसके बाद जल वायु ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि, थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक है, ऊष्मा और प्रकाश छोटे छोटे, मतलब हमको क्या बताया कि एक टचअप आपको डाल देंगे पूरी तरह से, एक नया, जिसे कहा जाता है कि कभी कभी रोटी खाते खाते कहता है कि दूध चलो घर में पूरी बनाओ, तो बस ये सब पूरी टाइप का है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूरी वगैरह डेली नहीं खाने पेट खराब हो जाएगा यार, तो कभी कभी जो हम लोग जो है इसको जो है इस में छोटा छोटा थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देंगे, ताकि क्वेश्चन अगर एक भी पूछा जाए तो उससे आपको गलती होने का कोई भी संभावना ना रहे। उसी प्रकार एलिमेंट्स हैं जिसको तत्व कहते हैं, मिश्रण है, संघटक जिसको एलॉय कहते हैं, इन सबों से क्वेश्चन सजा धजा आपका रहेगा। यहां से क्वेश्चन होंगे आपके एलॉय में, वही जस्ट आपको बता रहे थे कि पीतल में क्या क्या चीज होता है, यहां से ये क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोत होंगे, ऊर्जा के दो स्रोत हैं आपको मालूम है, नवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को हम लोग जो है नवीकरणीय कहेंगे, किसको अनवीकरणीय कहेंगे, सूर्य की ऊर्जा किस ऊर्जा में आएगी, कोयले की ऊर्जा किस ऊर्जा में आएगी, ऐसे तमाम चीजों से ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन होते हैं छात्रगण। थोड़े से क्वेश्चन सौर मंडल बेस पे होते हैं, सौर मंडल में हाँ भाई बुध ग्रह शुक्र ग्रह पृथ्वी ग्रह ये सब जितने सारे आपके प्लैनेट्स हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रोइड्स जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, उनसे कहीं कहीं थोड़े बहुत घुसा घुसा के ये क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ले लेंगे हम सब। भारत में देखेंगे विविधता में एकता, आखिर भारत को, भारत के पर्यावरण को पूरे विविधता में एकता इसको क्यों कहा जाता है, उसकी चर्चाएं भी हम सब करेंगे छात्रगण। साथ ही साथ तमाम भारतीय जनजातियां, उनकी लोक कलाएं, उनके द्वारा मनाया गया त्यौहार एवं उनकी भाषा, सिंपल क्वेश्चन होता है पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति कहां पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन छात्रगण जो आपको लगेगा ये तो मैं जानती हूं, लेकिन आप परीक्षा में गलत कर करके आते हैं, इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप देखेंगे कि कैसे, देखो कैसे पकड़ता है, देखिए कितना अच्छा 13 नंबर का टॉपिक पकड़ता है सॉरी यात्रा एवं यात्री। अब यात्रा से क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यात्रा से कितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, जवाब दीजिए, पूछता है या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता मोड होता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता मोड होता है, सबसे सस्ता, तो जवाब क्या होगा, जलमार्ग होगा, क्योंकि जलमार्ग पर ना रोड बनाने की आवश्यकता है, ना लाइटिंग लगाने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं, तो एकदम सस्ता होता है। आप बोलिए सर वायुमार्ग में भी तो रोड बनाने का और ये करने का सस्ता नहीं है, तो वो सबसे जल्दी समय में तय करने की दूरी के लिए वो सबसे सस्ता है, लेकिन अगर पैसे की बात करेंगे तो सबसे सस्ता मेरा मार्ग कौन सा हो जाएगा, जलमार्ग होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे छात्रगण, लेकिन ये और वायुमार्ग के द्वारा शीघ्रता से पहुंचने के लिए उसका यूज होता है, भले सरकार को वहां रोड नहीं बनानी होती है आकाश के ऊपर में, या फिर लाइटिंग नहीं लगानी होती है, लेकिन हाँ वो सबसे शीघ्रता से पहुंचाने के ट्रांसपोर्टेशन होंगे। ये भी क्वेश्चन होंगे कि हवाई जहाज में कुल कितने व्हील्स होते हैं, कितने चक्के होते हैं, देखो कितना कॉमन क्वेश्चन है, मीन्स एक एनवायरमेंट के चारों तरफ कितने सारे चीज जो पाए जाते हैं, जितने सारे चीज पाए जाते हैं उनसे कोरिलेट करके ये प्रश्न पूछते हैं छात्रगण। देख लीजिए यहां पर क्या है, प्राकृतिक आपदाएं एवं संरक्षण, जो आपके चूंकि आप पूरा विषय आपका पर्यावरण पर है, और इस पर्यावरण पर आपको प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगे, इस पर्यावरण पर तो प्राकृतिक आपदाएं कितनी आती हैं, कितने प्रकार के तूफान, कितना कितना चिनूक तूफान है, तो कितना कितना बताने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ इन प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे संरक्षण करेंगे अपने पूरे पूरे राष्ट्र का, अपने पूरे देश का, अपने पूरे विश्व का, अपने पूरे पर्यावरण का कैसे संरक्षण करेंगे, ये प्राकृतिक आपदाएं और संरक्षण के अंतर्गत में आएंगे छात्रगण। और साथ ही साथ जो है आपका खेलकूद की बात करेंगे, तो थोड़ा सा पर्यावरण अध्ययन से कभी कभी प्रश्न देखा जाता है छात्रगण कि खेलकूद से भी कोरिलेटेड होते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग जो है खेलकूद पे हल्का, मैंने वही बताया कि टचअप एक डालेंगे, एक पूरी तरह से टचअप, तो एक पूरी तरह से एक निचोड़ है छात्रगण, और इस निचोड़ में आप सबों को मैं पूरी तरह से इन चैप्टरों को ही लेकर के चलूंगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज कि सजीव जगत का हेडिंग बनाइए, आश्रय और परिवार का हेडिंग बनाइए, बिल्कुल उसी प्रकार के हेडिंग बना करके, और इसके अलावे और कई सारे चैप्टर जब आप देखेंगे कि जब हम नोट्स लिखाना आपको शुरू करेंगे छात्रगण, तो देखिएगा सर कई सारा चैप्टर वहां जो है क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इसमें पूरा मैं आप कहीं पर देख रहे हैं कि आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हम नहीं पढ़ाएंगे,
तो ये तमाम कहीं पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने लिखे हैं सर, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे कई चैप्टर इसके अंदर में समाहित है छात्रगण, जिसे ऊपर से हम सब हाईलाइट करने का प्रयास नहीं किए हैं छात्रगण। आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्राकृतिक आपदाओं पे, प्राकृतिक आपदाओं संरक्षण में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पर्यावरण को बचाना कितना कितना आवश्यक है। जलवायु पर लगातार परिवर्तन हो रहा है छात्रगण, और इस जलवायु परिवर्तन पर कई सम्मेलनों का आयोजन विश्व लेवल पर किया जाता है, लेकिन क्या जलवायु पर विश्व लेवल का सम्मेलन हमारे जलवायु को बचा पाने में, हमारे वातावरण को बचा पाने में, हमारे पर्यावरण को बचा पाने में क्या कामयाब हो रहा है? आपका सिंपल जवाब होगा कि सर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। कागजी घोड़े तो दौड़ाए जाते हैं, कई बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं छात्रगण एक सम्मेलन पर, लेकिन उस सम्मेलन का रिजल्ट क्या हुआ? क्या किसी देश ने भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी की? नहीं किया। आज चाइना सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला राष्ट्र बन गया, छात्रगण अमेरिका को पछाड़ दिया है। तो बताइए, जब एक राष्ट्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा उत्सर्जित किया जा रहा है, तो उससे दूसरे राष्ट्र भी क्या होते हैं? उससे उसके सफर में आ जाते हैं, उससे उसके टचअप में आ जाते हैं, और वो राष्ट्र भी सफर करता है छात्रगण। गैसेस हल्की होती हैं, भारी होती हैं, गैसें एक जगह नहीं रह सकती हैं, गैस का टेंडेंसी होता है कि वो उड़ करके कई करोड़ों किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग कर सकते हैं छात्रगण, और संबंधित बादल पे वो अपना ये कंसेप्ट दे सकते हैं। किस प्रकार से प्रदूषण हमारे पूरे वातावरण को खा रहा है, चबा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आप भले ही आपकी बहुत बड़ी नौकरी है, लेकिन कभी भी आप दिल्ली जैसे शहर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ही पॉल्यूटेड शहर है। आपने देखा छात्रगण कि किस प्रकार से कोरोना के काल में अभी इन्वायरमेंट पे हमारा जब असर नहीं हुआ, तो यमुना की नदी जो है वही श्री कृष्ण वाली यमुना बन गई, और गंगा वही भगवान भोलेनाथ के जो सर से निकला हुआ, जो उनके जो मत चंडल से निकला हुआ जो मेरा गंगा का है, वो वही गंगा शुद्ध हो गई छात्रगण। तो हमने ये तमाम कहानियां थी जब हमने इन्वायरमेंट से छेड़खानी नहीं किया, हमने इन्वायरमेंट का दोहन नहीं किया। दोहन हम करें, लेकिन उस इन्वायरमेंट के लिए हमें उन्हें बचाने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। तमाम चीजों से हमारा जो प्रश्न होता है छात्रगण, ये होता है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो गया, उसके बाद अत्यधिक से अधिक छात्रगण हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऐसे इन्हीं जगहों से छात्रगण ये पूरे के पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रगण, जिसकी पूरी जोरदार तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ इस चैप्टर में ये जो जितना सारा जो सिलेबस आप पर्यावरण अध्ययन का देख रहे हैं, इस पूरे पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के साथ में एक नवीन कंसेप्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है, और इसका नवीन कंसेप्ट आपको जो है छात्रगण, वो नवीन कंसेप्ट आपका इसमें देता है डे टू डे पर्यावरण। इसमें एक एरिया पर आपको और काम करना पड़ेगा, वो हमारा 16वां नंबर टॉपिक होगा। 16वां टॉपिक क्या, जो उसको टॉपिक में 16वां मत लिखिए, वो प्रश्न में हम पढ़ाते पढ़ाते ही आपको नोट्स में उसको लिखाएंगे, और वो होगा डे टू डे पर्यावरण, डे टू डे इन्वायरमेंट। यहां से प्रश्न होते हैं छात्रगण, डे टू डे इन्वायरमेंट से प्रश्न होता है। डे टू डे मतलब क्या, प्रतिदिन जो आपके पर्यावरण में घटित हो रहा है उस पर भी क्वेश्चन होता है। अभी देखिए, मैंने वही कहा था, आपको याद होगा कि थोड़ा सा मैंने पेडागॉजी का जब सिलेबस आपको पढ़ाया था, तो वहां पे हल्का सा पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया था, एक क्वेश्चन हम वहां भी कराए थे, यहां भी करा रहे हैं डे टू डे एनवायरनमेंट। अभी देखिए कोविड-19, अभी आप देख रहे हैं ना कि कोविड-19 कितना पॉपुलर हो रहा है, कोविड-19 देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अभी आपको सिंपल यही पूछेगा कि कोरोना का एक अन्य नाम क्या है, कोविड-19 है। 19 के इसलिए क्योंकि 2019 में यह फैला है। अब यही आपसे पूछेगा, बताइए कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है कोविड का मतलब, आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्वेश्चन कहां है, पूरा एनवायरनमेंट को ये डैमेज कर चुका है छात्रगण, बस लोग व्यक्ति जान रहा है कह रहे ये तो कोविड-19 भी इसको कहा जाता है, कोविड है क्या? तो देखिए कोविड में सीओ क्या है आपका, कोरोना है, कोरोना। सीओ का मतलब क्या है, कोरोना। वीआई का मतलब क्या है, वायरस। और डी का मतलब क्या है, डिजीज। तो आंसर क्या हो गया, कोरोना वायरस डिजीज। देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन है, लोग अपना रहे कोविड-19 जब अखबारों में न्यूज में सुन के आपका कान पक गया होगा, लेकिन आप छात्रगण जान जाइए कि कितने सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब इसका पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन देखिएगा छात्रगण, तो जो प्रश्नों का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल होता है छात्रगण, एकदम इंटर स्तरीय लेवल। इसका 1-5 का जो पर्यावरण अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंटर स्तरीय है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा माथा पकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसका थोड़ा सा अच्छा सा तैयारी नहीं किया, तो आप समझ जाइए छात्रगण कि आप कहीं ना कहीं ऐसे परीक्षाओं में गलती करके आप पिछड़ने का काम कर रहे हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन जितना आप पेडागॉजी पे मेहनत कर रहे हैं 30 नंबर लाने के लिए, उससे आधा मेहनत कीजिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बच्चा पेडागॉजी का जो तैयारी कर रहा है उसे हाफ मेहनत करे, हाफ ऑफ द मेहनत करे, तो बच्चा 30 नंबर में, 27 नंबर जो हम लोगों का टारगेट है छात्रगण आपके सामने में,
उसमें 27 नंबर लाने का वो प्रयास कर सकता है छात्रगण। ये तमाम चीजें ऐसे क्वेश्चन के पार्ट होंगे छात्रगण। प्रश्न पूछता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब डे टू डे इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं कि गांवों में अक्सर महिलाएं अपने घरों को गोबर से लीपती हैं, गांव में अक्सर महिलाएं अपने घरों को गोबर से लीपती हैं। देखिए इन्वायरमेंट को कैसे ये टच करते हैं कि गांव में महिलाएं अपने घरों को गोबर से लीपती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? ऑब्वियसली है, आप देखो ऑप्शन कितना अच्छा अच्छा देता है अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। क्या घर को सुंदर गोबर से ही बनाया जा सकता है? चूना से नहीं, आजकल तो एक से एक इनामेल पेंट्स आ गए हैं, तो गोबर से क्यों लिपेगी? यानी ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, ऐसा नहीं करने से उसे समाज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तीसरा, अपने घर को चारों तरफ से नजरों से बचाने के लिए कि किसी की नजर ना लग जाए, बताओ ऑप्शन देखिए आप केवल। चौथा कहता है कि अपने घर के अंदर में कीड़े मकोड़े ना प्रवेश करे, इस हेतु वो अपने घरों को गोबर से लीप देती है। बिल्कुल सही है, गोबर के गंध के फलस्वरूप कीड़े मकोड़े घरों में प्रवेश नहीं करते हैं छात्रगण। ये पूरी कहानियां हैं छात्रगण, जिसको हम सब जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज के तहत में पढ़ पाएंगे। वही आपसे प्रश्न पूछता है, लेबल इसका बढ़ाकर पूछता है कि बताइए बीओडी 5 क्या है, बीओडी क्या है, बीओडी क्या है? तो देखिए ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी एक जगह का पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि उस प्रदूषित पानी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अंदर में रहने वाली तमाम जानवर जो होते हैं उसे सफर कर जाते हैं, मर जाते हैं। उस जगह पे हमको ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है छात्रगण, जिसको कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इन तमाम चीजों से प्रश्न जो होता है मेरा, ये छपा हुआ क्वेश्चन होता है छात्रगण, जो कि पूरी इसकी सिलेबस बयां करती है। तो मैं समझता हूं कि पूरे मनोयोग से और इन तमाम चैप्टरों को बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए तो दावे के साथ क्या कहा जा सकता है छात्रगण कि सीटेट और जेटेट की परीक्षा में जो 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें 27 नंबर क्या पूरे के पूरे अंक हासिल किए जा सकते हैं। बस थोड़े से आपके डिटर्मिनेशन और स्मार्ट पकड़ बनाने की आवश्यकता है। स्पीड विद एक्यूरेसी की बातें हम यहां ना करें, यहां पर आपको पूरा का पूरा समय होगा और बहुत ही मनोयोग से आप इसको तैयारी कर पाने में कामयाब होंगे छात्रगण। तो ये रहा आपका 15 से 17 से 20 प्रश्न का। अब आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं जहां पर आपको दिखाएंगे कि इससे जो अनदर जो 10 नंबर का क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, 10, 12, 13 इवन कभी कभी 14, ये तमाम 13-14 प्रश्न जो होंगे जो कि आपका पेडागॉजिकल इश्यू से होता है, तो उसकी भी थोड़ी सी सिलेबस देख लीजिए जो अभी तक उसमें जो है प्रश्न पूछा है। आइए आपको लेकर चलते हैं। तो हम सब छात्रगण इसके भाग दो पे चलेंगे जहां पे हम सब 10 से 12 नंबर के लिए काम कर रहे हैं, आपको याद होगा कभी कभी 15 नंबर के लिए काम कर रहे हैं। तो जो सेकेंड भाग इसका होगा, जिसको हम लोगों ने भाग दो रखा है, पर्यावरण अध्ययन का भाग दो, कंटेंट वाला क्लियर हो गया। अब सेकेंड भाग होगा पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, सिलेबस ऑफ द इन्वायरमेंटल पेडागॉजी। और जो इन्वायरमेंटल पेडागॉजी होगा, उस इन्वायरमेंटल पेडागॉजी में छात्रगण पर्यावरण शिक्षण का अर्थ काहे के लिए, काहे क्यों पर्यावरण शिक्षण को इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इसके मीनिंग क्या है, इसके अर्थ क्या है, क्यों पर्यावरण अध्ययन को जो है एक सिलेबस का पार्ट माना गया है और क्यों इसको जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा है पर्यावरण शिक्षण नीतियां, कौन कौन से नीतियां पर्यावरण शिक्षण के लिए बनाए गए हैं, इन नीतियों के कितने इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं और ये नीतियां जो है क्या सब कुछ पर्यावरण शिक्षण के लिए करते हैं, इनकी विस्तृत चर्चाएं हम सब छात्रगण अपने क्लास के अंदर में करेंगे। साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्री, मैंने आपको वही बताया था, शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये होता है टीचिंग एड्स, और साथ ही साथ टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड साथ ही साथ टीचिंग मटेरियल टीचिंग एड्स, इन सबों का प्रयोग हम सब पर्यावरण शिक्षण के लिए कैसे कर पाएंगे, कैसे पर्यावरण अध्ययन को सुचारू बनाया जा सकता है, किस प्रकार से शिक्षक बच्चा के समक्ष में पर्यावरण अध्ययन को प्रस्तुत करे जिससे कि टीचर्स इसको बहुत अच्छा से सीख सके, इन सब चीजों से ये सजा धजा पाठ होता है छात्रगण। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन करेंगे हम सब कि भाई पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। आपको मालूम है कि दो विधियां इन दिनों प्रचलित हैं जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन जो चलता है, जो दौड़ता है, ये दो विधियों के बारे में हम सब विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो ओवरऑल जब हम इस पूरे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र यानी कि सिलेबस की इसकी चर्चाएं करते हैं छात्रगण, तो हम इसी निष्कर्ष इसी जगह पर हम सब पहुंचते हैं कि पूरी एरिया जो है इसकी वो पूरी तरह से पेडागॉजी से ही कोरिलेटेड नजर आता है। अब देखिए शिक्षण का अर्थ आपने अधिगम के दौरान में पढ़ा है, शिक्षण नीति आपने अधिगम के दौरान पढ़ा है, सहायक सामग्री टीएलएम भी आपको हमने पेडागॉजी में आपको पढ़ाया है, और साथ ही साथ शिक्षण का मूल्यांकन तो एक मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है जहां तक हम पेडागॉजिकल इश्यूज की बातें करें छात्रगण। तो
ऑल अगर हम इसके भाग दो सिलेबस की बात करते हैं छात्रगण, तो इस भाग दो सिलेबस पे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का सिलेबस का बहुत ही जबरदस्त स्कोप मुझे नजर आता है। और अगर थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लिया जाए, थोड़ी सी सटीक मेहनत कर लीजिए छात्रगण, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट में लीजिएगा तो अपना लिख लीजिएगा फटाक से, पीछे वाला शॉट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके अपना देख लीजिएगा, जैसे मन होगा सिलेबस को एक कॉपी में एकदम सुंदर से लिख लीजिएगा और उसके आधार पर अपना काम करिएगा। तो ओवरऑल पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, उसकी नीतियां, कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करें और साथ ही साथ इस पूरे पर्यावरण का मूल्यांकन कैसे करें, इन चीजों से सजी धजी होती है छात्रगण पर्यावरण अध्ययन का भाग दो। तो इस प्रकार छात्रगण आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा पर्यावरण अध्ययन का जो 30 प्रश्न है उसके बाउंड्रीज क्या हैं और कहां कहां से प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं हमारे पास जिंदा है या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ये तो कमोबेश पर्यावरण की पूरी पाठ हुई छात्रगण। अगर इन पूरे सिलेबसों को हम सब अपने सटीक वक्त पे और सही समय पर अगर इसको पूरा कर पाने में कामयाब होते हैं तो आपको मैं वादा करता हूं छात्रगण कि जो 30 अंकों का जो ये प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 25, 26, 27 अंक लाना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी छात्रगण, और आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ को कर पाने में कामयाब होंगे छात्रगण। तो आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस सिलेबस पे। और चलिए एकदम सीधा बिल्कुल समय बर्बाद करते हुए ना, क्योंकि आपको जो है इसका सिलेबस बता दिए, इसका पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब सीधे सीधे बारी है कि आपको आज एकदम पर्यावरण का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करें और पूरा पर्यावरण का मीनिंग और पर्यावरण का जो अर्थ है वो भी आपको आज की क्लास में हम सब समझाते हुए यहां से निकले छात्रगण। तो चलिए आगे की ओर ले चलते हैं और सीधे एकदम पढ़ाई शुरू करते हैं छात्रगण। तो छात्रगण आइए पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के डील होने के उपरांत हम सब अब इसके अर्थ और इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। यहां से अब हमारा पढ़ाई जो है छात्रगण स्टार्ट होगा और पूरे पर्यावरण अध्ययन को एक इतने शानदार तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा छात्रगण कि आप सबों को इस विषय से भी बहुत बहुत प्यार होगा। भले प्यार ना हो आप मत करिए प्यार इस विषय से, हमारा जो टारगेट 27 है छात्रगण उसे आप मुझे ला करके दे दीजिए और आपको हम कुछ भी नहीं करते हैं। आइए स्वागत करते हैं छात्रगण और सीधे सीधे चलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के इस पड़ाव पर, पर्यावरण के इस पड़ाव पर जहां पर अर्थ एवं इसकी परिभाषा हम सब देख पाएंगे। देखिए जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, पर्यावरण का अर्थ की बात करते हैं, तो पूरा पर्यावरण आप देख लीजिए, पर्यावरण जो ये पूरा पर्यावरण है, ये पूरी जो सिलेबस है पर्यावरण का, इस दो शब्दों से मिलकर के बना है, परी प्लस आवरण। आपको भी हम शुरुआत में भी बताए थे, चूंकि लेसन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण शुरू कर रहे हैं, तो उसकी अर्थ एवं परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो पूरे पर्यावरण को हमने क्या डाला, परी प्लस आवरण। इस परी का मतलब ही होता है छात्रगण चारों ओर, और इस आवरण का मतलब होता है घेरा। इस आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। तो जो ये जो घेरा है, इस पूरे घेरा को ही हम सबों ने क्या नाम दिया है, पर्यावरण। यानी किसी जगह में जो चारों तरफ से जो कुछ भी आप देखते हैं, जो चीज का घेरा है, आप क्या देखते हैं, आप स्कूल देखते हैं, आप बिल्डिंग्स देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, रोड देखते हैं, बाइक देखते हैं, मोटरसाइकिल देखते हैं, कार देखते हैं, हवा आपको महसूस होती है, पेड़ देखते हैं, प्रदूषण देखते हैं, धुआं देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं अपने चारों तरफ साथ, जिसके द्वारा आपके पूरे प्रकृति को लोग घेरे हुए, इसी घेरा को, जो चारों तरफ का जो घेरा है छात्रगण, उसको हम सब नाम क्या देते हैं, पर्यावरण। मैंने आपको पहले ही कहा, कभी भी यदि मांग मत लीजिएगा कि क्या सर पर्यावरण केवल सजीव चीज ही होता है, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा पर्यावरण जो होता है अपने दो घटकों से मिलकर बना है। पर्यावरण के हमेशा आपको मैंने पहले कहा कि जब चारों ओर का जो घेरा बनता है, चारों ओर का जो घेरा बना है, वो पर्यावरण अपने दो भाग में बंटता है। एक को बोलते हैं जैविक घटक, क्या बोला जाता है, जैविक घटक, और दूसरा को बोला जाता है अजैविक घटक। पहला को जैविक घटक और दूसरा को अजैविक घटक। पर्यावरण पूरे दो भाग में बढ़ता हुआ नजर आता है, एक को जैविक घटक कहते हैं, दूसरा को कहते हैं अजैविक घटक कहते हैं। ओके, जैविक घटक में क्या हो गया, पूरी तरह से लिविंग बॉडी यानी कि सजीव वस्तु आएंगे, सजीव वस्तु आएगा, और अजैविक घटक में तुम्हारा क्या आएगा, निर्जीव वस्तु आएंगे, टोटल नॉन लिविंग। यहां पे नॉन लिविंग आएगा और यहां पे लिविंग आएगा।
तो कल्पना कर लीजिए छात्रगण की इन दोनों को, बोलेंगे सर अजैविक घटक हमको कैसे फायदा पहुंचाता है। आप देखिए मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, तापमान, नदियों की बहती हुई धाराएं, क्या ये सजीव वस्तुएं हैं? नहीं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए छात्रगण कि ये पर्यावरण के लिए कितने कितने मायने और कितने कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं छात्रगण। अर्थात पूरा पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के होगा, एक घटक कहलाएगा मेरा जैविक घटक और दूसरा कहलाएगा अजैविक घटक, अजैविक घटक जिसे इंग्लिश में इसको बायोटिक कहेंगे और इसको नॉन बायोटिक कहेंगे, या इसको एबायोटिक और इसको बायोटिक और इसको एबायोटिक। बस समझ में आ गया। तो पूरी तरह से निचोड़ प्रस्तुत करता है, अर्थात जो हमारे चारों ओर का जो घेरा है, चारों ओर का जो आवरण है, वो सजीव और निर्जीव प्राणियों से मिलकर के बना हुआ घेरा है, जिसे ही हम सब क्या चीज कहते हैं? पर्यावरण। ये हम लोग क्या चीज कहते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण शब्द का जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होता है? एनवायरमेंट। इंग्लिश क्या होता है इसका? एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट जो आपका इंग्लिश वर्ड है, ये वर्ड बना हुआ है एनवायर से, एनवायर, एनवायर। और एक्चुअली ये शब्द जो है वो है फ्रेंच शब्द। कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द से। जो अंग्रेजी एनवायरमेंट दे रहे हैं वो फ्रेंच शब्द एनवायर से मिला हुआ है। और इस एनवायर का मतलब होता है छात्रगण पड़ोस। इस एनवायरमेंट का मतलब होता है पड़ोस। तो देखिए कितने सुंदर शब्दों के निर्माण किए होंगे, तो कितना अच्छा लगता होगा कि किस प्रकार से ये बना हुआ। इसका मतलब ही होता है पड़ोस। और पड़ोस का तात्पर्य आप जानते हैं छात्रों की, पड़ोस किसको कहा जाता है? आपके सामने, आपके अगल, आपके बगल, आपके पीछे, यानी कि सभी का सभी, जो चारों तरफ का जो आपका जो वातावरण है, इन चीजों से क्रिएट हो जाता है छात्रों, इन चीजों से बन जाता है। इसी कारण इस पूरे पर्यावरण को हम सब चारों ओर का घेरा कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनवायरमेंट कहते हैं। ये एनवायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरो से लिया गया है। और इस एनवायरो का मतलब होता है आपका पड़ोस। एनवायरो या एनवायर, एनवायर एक्चुअली प्रोनंसिएशन है उसका, एनवायर बोल लीजिए या एनवायर बोल लीजिए, इसका मतलब होता है पड़ोस। तो अतः निष्कर्ष पहुंचिए कि आपके चारों तरफ, आपके पड़ोस में जो एक शानदार घेरा का निर्माण होता है छात्रगण, इस घेरे को भी हम सब छात्रगण पर्यावरण कहते हैं। और जैसे ही इस घेरे के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, पर्यावरण का अर्थ भी हमारा क्या होता है? क्लियर हो जाता है। चलिए तो जल्दी से एकदम हमारा नोट्स बनाने का है, इसके अर्थ पर हेडिंग क्रिएट होगी पर्यावरण का। टॉप हेडिंग क्रिएट कीजिए पर्यावरण का और उसके नीचे हेडिंग बनाइए अर्थ एवं परिभाषा, और इसके अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे छात्रगण। डैश देकर के बुलेट लगाएंगे और लिखेंगे पर्यावरण शब्द। हाँ, डैश देकर के बुलेट लगा करके ना नोट से स्टार्ट हो गया छात्रगण। आज मैंने सिलेबस भी बताया, आपको पढ़ाया भी, आप समझ जाइए कि हम सब कितने आपके प्रति जो है जुझारूपन लिए हुए हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे छात्रगण, ताकि आप परीक्षाओं में सफलताओं का इतिहास रच सके छात्रगण। लिखिए पर्यावरण शब्द, पर्यावरण शब्द। क्या कल की क्लास में क्या आज की क्लास में क्या सिलेबस छोड़ दें? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये पूरा इसको लिखिए मत, कुछ भी मत लिखिए, केवल इसको ये क्लियर करवा देते हैं कि पूरा पर्यावरण शब्द का जो निर्माण होता है छात्रगण, वो दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि प्लस आवरण को लेकर के। और परि का मतलब होता है, आपने अभी जस्ट जाना है परि का मतलब क्या होता है, क्या होता है जस्ट अभी लिखाया था ना परि का मतलब, देखिए तो चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा। तो जो चारों ओर घेरा बनाए जिसमें सजीव और निर्जीव जगत दोनों निवास करे, उस पूरे बेहतरीन कंसेप्ट को ही हम सब छात्रगण पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि पूरे पर्यावरण अध्ययन के इस पूरे सिलेबस को और पर्यावरण अध्ययन के पूरे स्कोप्स को आपने बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया होगा। जो इसका शिक्षण शास्त्र वाला जो टॉपिक है, जो पेडागॉजिकल जो इसका टॉपिक है, वो पेडागॉजिकल टॉपिक पे छात्रगण NCF से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने मूल्यांकन लिखा है, उस मूल्यांकन पे ही आपको हम NCF EVS को लागू करने के लिए और NCF के पढ़ाने की कौन सी बातें करता है, ये वहां पर हम सब देख पाने में कामयाब होंगे छात्रगण। तो याद रखिएगा कि पूरी तरह से सजी धजी ये चैप्टर होगी, 15 से 16 कंटेंट वाइज होंगे और तकरीबन 4 से 5 टॉपिक इसके पेडागॉजिकल इश्यूज के आपके बीच में चर्चाएं करेंगे छात्रगण।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी छात्र दिन, जहां से हम पूरी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, नोट्स लिखाएंगे शानदार, समझाएंगे उतना ही बेहतरीन, और उसके साथ उसका शानदार नोट्स प्रस्तुत करेंगे। और एक एक चैप्टर के बाद आपको जो है कंटेंट वाइज, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं प्रश्न दूंगा, तो कंटेंट वाइज आपको प्रश्न भी उसमें हम डालते चले जाएंगे, जिसका एक PDF फॉर्मेट होगा, आप उसे बनाते हुए नजर आएंगे। पंच क्लियर हो गया? तो चलिए चलते चलते बस इतना ही कहना चाहते हैं छात्र दिन आज के आपके क्लास में। कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आप बोल रहे होंगे सर आपका जो शेरो शायरी जो है इन दिनों नहीं चल रहा है, एक्चुअली पढ़ाने में इतने मशगूल हो जाते हैं छात्र दिन के दिमाग से निकल जाता है, लेकिन आज निश्चित रूप से हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन आपको लाइन सुना रहे हैं छात्र दिन, आप सब इसका एंजॉय करिए। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, उठने की अभी ठानी नहीं है छात्रगण, उठने की अभी ठानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक छोटे से किटकैट ब्रेक के बाद में। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, बाय बाय।